अबे यार क्या बताऊं यार तुम्हें यार मैं मतलब आज सुबह अपनी क्रश से लगा हुआ चैटिंग पे मैं और थोड़ी देर बात करने के बाद बंदी खुद बोली मेरे को अच्छा ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है जाओ। बंदी ने रिस्पॉन्ड किया सामने से आज नहीं बोलोगे अकेले अकेले पागल है क्या ठंड दिख रही है तुम अकेले ही ना हो आज। माय गॉड ऐसी ठंड में नहाते वक्त ही पता चलता है टाइटैनिक में जैक को कितनी तकलीफ हुई थी। और नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि सर्दियों में नहाना मुश्किल है। सर्दियों में नहाना फिर भी आसान है बट इंग्लिश कमोड में बैठ के करना। आई नो तुम्हें फील आया तुम्हें ए, इसका मतलब ये नहीं मैं नहाया नहीं। मैं लग रहा हूँ कि मैं नहाया नहीं बट मैं नहाता डेली हूँ। भाई शक्ल ही गरीबों वाली है मैं क्या करूँ यार। मतलब इतनी ज्यादा जिंदगी बर्बाद है। मेरे को आज बाहर जाना था तो मैं रोड पे गया मुझे ऑटो दिखा वहाँ पे मैं उसके पास गया तो मैंने उससे बोला भैया ये ओखला फेज 3 जाना है। बंदा मेरे को देखा और मुझे डायरेक्शन देने लग गया भैया यहाँ से सीधा जाओ ऑटो लेके और वहाँ पे उतारेगा वहाँ से एक और ऑटो ले लेना। साथ चलोगे मेरे किराया दूंगा मैं डायरेक्शन मत बताओ पता है मुझे मतलब कपड़े यही पहने इतना गरीब दिखता हूँ क्या मैं। अबे Why are we still here? भाई समझो मैं गरीब नहीं है गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे क्यों क्योंकि हम खानदानी गरीब है हमारा बाप गरीब दादा गरीब परदादा गरीब उसका बाप गरीब सब गरीब सातों पुश्ता गरीब ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए नहीं हम शुद्ध गरीब है। मैं बहुत गरीब है बहुत ज्यादा हैशटैग यानी गरीब है। और हम फ्राइडे स्पेशल भी करेंगे क्योंकि ये साल का आखिरी फ्राइडे स्पेशल है और इसे मैं छोड़ नहीं सकता। और जस्ट इनकेस तुम नए और तुम्हें नहीं पता फ्राइडे स्पेशल क्या है तो ये एक वीकली शो हुआ करता था जो मैंने बहुत पहले शुरू किया था शुरुआती दिनों में ताकि हम लोग भाई भाई वाली कनेक्शन बनाए रखें। बट ओवर द टाइम मेरे को डेट तक याद नहीं रहती थी क्या है तो भूल जाता था मैं बट आज मुझे याद है। तुम लोगों में तो बहुत ज्यादा लोगों के बहुत सेम सवाल होते हैं तो उन सवालों को एड्रेस करूंगा मैं। ये सब करेंगे हम लोग बट उससे पहले मैं एक मूवी ट्रेलर के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। फ्रॉड सैया बोला जी ये गलत है ये बाप है नहीं ये बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे एक्चुअली बहुत फनी लगा वो ट्रेलर बहुत दिनों बाद में इतना मतलब कहते ना अपने टाइप में खुश हुआ हूँ हर की फनी ओवरऑल एंटरटेनिंग। मैं उस ट्रेलर को देख के सोच रहा था टट निकला भाई हमारा है अरशद भाई सही बता रहा हूँ बड़ा प्यारा भाई पे मेरे को बड़ा प्यार शादियां कर रहा भाई लड़कियों से शादियां और मुझे बुरा नहीं लगा नहीं मैं खुश हूँ भाई के लिए बट मेरा सवाल ये लड़कियां आ कहां से रही है यार। अबे हमें तो झुग्गी वाली भाव नहीं देती पाजी कहां से ला रहे हो यार ला रहे हो उस पर भी प्रॉब्लम नहीं इतनी सुंदर सुंदर कहां से ला रहे हो यार जनता माफ नहीं करेगी। जनता छोड़ो पाजी मैं तो कहता हूँ मुझे चेला बना लो थोड़ा सा थोड़ी देर एक दो महीना फ्री में काम करूंगा झाड़ू पोछा टट्टी तक साफ कर दूंगा यार बना लो यार। अब्बा नहीं मानेंगे। ओवरऑल मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बट जहाँ पे मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ पे मेरे पास डाउट्स भी है क्योंकि बॉलीवुड का इतिहास है कि अगर मूवी बोरिंग होती ना तो वो पूरे ट्रेलर से फनी पार्ट उठा लेते हैं उसका ट्रेलर बना देते हैं। सो मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि जो मूवी है उसमें इससे ज्यादा जोक्स हो बट जो भी होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। एक चीज है जिसके लिए मैं 100% डिसअपॉइंटेड हूँ एली अब्राम। एली देखी है तुमने क्रश है मेरे को वो बंदी मुझे जानती भी नहीं मैं गर्लफ्रेंड मानता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड भी नहीं फुल गर्लफ्रेंड मानता हूँ बे। मतलब गाना आता है ट्रेलर के एंड में चम्मा चम्मा वैसे मैं हवस लेता हूँ यहाँ दुखा बे यहाँ दिल पे दुखा मेरी वाई एली वाई मतलब इतनी क्यूट बंदी है ना वो इतनी क्यूट बंदी है और जितना मैंने उसको अभी तक रियल लाइफ में देखा है इंटरव्यू में देखा है और मूवीज में देखा है उसको देख के ना एक पॉजिटिव वाइब आती है यार पॉजिटिव वाइब और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बट इस हालत में नहीं देखा गया यार मैं फोटो भी नहीं दिखाने वाला। वाई एली वाई मैन वाई प्रकाश झा साहब और कोई नहीं मिला मेरी वाली से करा होगे मतलब नाच हो रही थी दुख मुझे हो रहा था यारों मैंने पंगा ले लिया बट ठीक है कोई नहीं अपनी थोड़ी है यार। पहले मैं एली को देखता था ना दिल से आवाज आती थी दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी इसको चुनो ना बट ये गाना देख के ना दिल से आवाज आई बे बेवफा जा तुम्हें प्यार नहीं करना तन्हा ही जी लेंगे हम जब रास्कल। एली मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो मैं खुद की अपनी व्लॉग टीम बना रहा हूँ छोड़ो फिल्म में क्या रखा है एक्टिंग देती नहीं तुम्हें फालतू चीजें करवा रहे तुम ये देखा नहीं जाएगा मेरे से मैं नहीं देखने जाऊंगा मूवी में बता दी अभी मैं व्लॉग टीम बना रहा हूँ तुम आ जाओ मैं टीम भी नहीं बनाऊंगा टीम बनाऊंगा ही मैं। अबे दो लोग मिलकर घर बना लेते हम लोग अच्छी टीम नहीं बना सकते कौन मैं स्टॉप इट गेट सम हेल्प।
बट मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एक्चुअली लाइक हर वेरी मच, मुझे बहुत इनोसेंट लगती है, बहुत पॉजिटिव वाइब है, सो कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा, अगर तुमने बुरा कमेंट किया मैं डिलीट मार दूंगा, इतना प्यार है मुझे। मूविंग ऑन, तुम में तो बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं ये मार्क कैसे आया हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? तो ये कहानी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, मेरी कहानी सीजन 1 पार्ट 5, जाओ देखो फुल डिटेल में मिल जाएगा तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि एक लंबी कहानी है इसके पीछे। बट अगर शॉर्ट टर्म में बताऊं तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद पस जम गई थी और फिर ये गड्ढा हो गया, मतलब बहुत लंबी कहानी है। मेरी कहानी देखना शुरू करो एपिसोड 1 से एपिसोड 10 तक, बहुत कुछ पता चलेगा मेरे बारे में, फिर सीजन 2 देखना, और सीजन 3 हम लोग कर रहे हैं बट मैं ज्यादा एपिसोड डाल नहीं रहा उसमें, जल्द डालूंगा। इतना गोरा कैसे लग रहा हूँ मैं? मैं तो बहुत ज्यादा लोग इस बार को भी जानना चाहते हैं मैं इतना गोरा कैसे लग रहा हूँ, वो ये मेरी ट्रू स्किन है। बट प्रॉब्लम ये थी, मैं मेरा जो पुराना कैमरा था वो बहुत सस्ता कैमरा था, और तुम्हें पता है ज्ञानी गरीब है तो मैं नया कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर मुझे पता चला ईएमआई का, या मतलब मैं इतना गरीब हूँ मुझे ईएमआई तक का नहीं पता था, तो अभी मैंने नया कैमरा लिया ईएमआई पे, और इसके पीछे भी एक कहानी है, एक कंपनी है ओनर करके जो हुआई का ब्रांच में आती है, तो मेरे को बहुत प्यार है उस कंपनी से, उस ब्रांड से, वो जो फोन बनाती है, तो मेरा पूरा आइडिया था कि मैं वो फोन लूंगा। बट फिर इन्होंने एक यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप दी, और वो यूट्यूबर बहुत फेमस है मेरी वजह से। अपने काम के साथ मेरी वजह से फेमस है बेंचो। Stop it. Get some help. एक लड़की यूट्यूबर है, ये बता देता हूँ, बट मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बट इनके ओनर के फैन पेज पे जाओ इंस्टाग्राम पे, तुम्हें उसकी फोटो दिख जाएगी, बाकी नहीं पहचानोगे, तुम उसी को पहचानोगे क्योंकि तुमने यहाँ पे देखा होगा उसको या सुना होगा उसके बारे में। तो वो जो लड़की थी ना, वो ट्विटर पे ट्वीट मारती थी, गूगल प्लीज गूगल पिक्सल भेज दो, और आज ओनर वाले उसको फोन भेजते हैं, पेमेंट करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं। अबे गूगल का ओनर क्या पता है मेरे भाई के पास कौन सा फोन है? ओनर। मेरा दोस्त धनुष उसके पास कौन सा फोन है? ओनर। कैसे आए? मैंने दिलाई है, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं भी ओनर यूज कर रहा था, और एक पार्टी में लड़ाई के बाद किसी बंदे ने मेरा फोन तोड़ दिया था, बट उसके पास फिर मेरी जॉब चली गई और ये सब करना हो गया, तो फिर मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट मेरा सपना पूरा क्लियर था कि अभी टेम्पररी बेसिस पे ले लो और जब पैसे आएंगे तो मैं ओनर लेगा, तो अभी मेरा था ईएमआई पता चला ओनर लेंगे, बट फिर मैंने वो देखा स्पॉन्सरशिप करना ना, बिल्कुल ना। Why are we still here? मैं बता रहा हूँ कंपनियों, जो भी तुम्हारा ये है ना हेड ऑफ मार्केटिंग और ये सब, इनको बोलो थोड़ा रिसर्च करें। बंदा वहां पे दूसरी कंपनी के लिए रो रहा है, मुझे फोन दे दो, यहाँ पे तुम अपना फोन दे के प्रचार करा रहे हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ओनर के मालिक और मार्केटिंग हेड को मेल डाली हुई एक टाइम पे, जब मेरे पास फोन तक नहीं था, सालों रिस्पॉन्ड तक नहीं किया मुझे, क्योंकि सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं थे मेरे पास। आज तुम बस, फिर वो बात मेरे दिल पे लग गई, तो ओनर ना लेके मैंने लिया है वीवो Y95, और कैमरा क्वालिटी तुम देख ही चुके हो बेटर है, और दैट्स व्हाई मैं गोरा लग रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं गोरा हूँ, मैं सालों नहीं, मैं गोरा हूँ बे, बहुत ज्यादा। तुम्हें हैशटैग भूल गया क्या? सेक्सी है ब्रो। और सिर्फ यही नहीं लिया इस महीने मैंने बहुत ज्यादा ईएमआई का फायदा उठाया है। ईएमआई रॉक्स। मैंने नया डीएसएलआर भी लिया है। Yeah boy. तो मैंने नया कैमरा भी ले लिया, तो अब मैं मोबाइल से शूट ना करके मैं एक्चुअल कैमरे से शूट करूंगा 1 तारीख के बाद से। और दूसरी चीज जिसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, अभी मैं कैमरा यूज नहीं कर रहा, वो है ये बैकग्राउंड, क्योंकि तुम सब चाहते हो मैं ये बैकग्राउंड चेंज करूं, तो मेरे पास अभी मैं बहुत सोच चुका हूं बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा। अगर तुम्हारे पास कुछ भी आइडिया है ना मैं इस बैकग्राउंड के साथ क्या कर सकता हूं, प्लीज मुझे बताओ और मैं चेंज करूंगा, और अपने पास सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए हैं साल खत्म होने में, सो प्लीज हेल्प मी। मेरे को बाद में कंप्लेन नीचे कि तूने ये बैकग्राउंड घटिया बनाया, बता रहा हूँ तुम बताओ, मैं चेंज करूंगा ईएमआई पे। ईएमआई रॉक्स। अभी एक मैंने वीडियो बनाई थी ठाकरे के ऊपर, जहाँ पे मैंने ठाकरे मूवी ट्रेलर की बात करनी थी, बट टाइटल में मिचेल जॉनसन आ रहा था वीडियो के अंदर, तो यार देखो उसके पीछे समझो, ये छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी क्योंकि तुम लोग मुझ पर बहुत प्रेशर डालते हो, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी, और कहीं तो ये भी लगता है मैं वीडियो बना के रख लेता हूँ और रात के 10 बजे अपलोड करता हूँ। नहीं भाई, मैं लिटरली वीडियो रेंडर करता हूँ, मैं देखता तक नहीं और सीधे अपलोड होती है, मतलब लिटरली वो बंदा जो पहली बार वीडियो देख रहा है ना, वो एक्चुअली पहला बंदा है जो वीडियो देख रहा है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी होती, मैं खुद 50वां 60वां व्यूअर होता हूँ अपना, क्योंकि मुझसे पहले तुम लोग होते हो वहाँ पे, तो मैं एक्चुअली बहुत हाई प्रेशर में काम करता हूँ और लेट चल रहा होता हूँ, तो जल्दबाजी के चक्कर में ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, समझो मेरे को दिख जाते गाली देने की जरूरत नहीं होती, गाली दे दे के समझा रहे हो, पागल हो तुम लोग, मतलब हर गाली पे ना मेरे दिल से आवाज आ रही थी, ये सक्सेस ज्यादा आगे नहीं ले जाएगी तुझे। और दूसरी चीज, मैं अभी बीच में एक डायलॉग मारा था बिहारी माधव, बहुत सारे लोग इस पे ऑफेंड हो, जो मुझे नहीं लगा कहीं पे भी ऑफेंड होने वाली चीज है, मतलब क्रिसमस इतना सही फेस्टिवल लगता है ना, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स का फेस्टिवल है और अपना तो सीन ही अलग है, फैमिली को छठ के अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहारी है मदरफकर्स, शायद वो लोग मुझे रेगुलरली नहीं देखते, वरना जो देखते उन्हें पता होना चाहिए था, यानी मदरफकर ये मेरा स्टाइल है, स्वैग है मेरा, बेसिकली स्लैंग है मेरा, यानी मदरफकर मैं करेगा मदरफकर।
तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं बिहारियों को कहीं नहीं दिखा रहा गलत, मैं खुद बिहारी, प्राउड बिहारी जबकि मैं बिहार में गया भी नहीं, बट वो बस एक स्लैंग था स्वैग दिखाने के लिए कि मैं ये है, ना स्वैग, जिसका स्वैग उसे घंटा भर नहीं पड़ता दुनिया में क्या है, वो दिखाने के लिए। तो टेक्निकली मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा था मैं अपने मॉम डैड को गाली थोड़ी दूंगा यार, बट कॉम्प्लीमेंट ऑफेंड हो गए तो हो जाओ, गलत नहीं, सॉरी नहीं बोलने हमारा। Stop it. Get some help. मजाक करो पागल, तुम भी जाऊंगा, सुना नहीं तुमने, सच में तुम्हारे अलावा दुनिया क्या है मेरी, यही शुरू यही खत्म हुआ है। और आज का नोटिफिकेशन जाउट जा रहा है राहुल को, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम इन वीडियो में आए, शेयर दिस वीडियो, टैग इन दैट पोस्ट, और क्या पता अगली वीडियो में तुम्हारा नाम भी आ जाए। एंड जस्ट इन केस तुम इतनी बकचोदी देखने के बाद शेयर नहीं करने वाले, इसे 30 बंदों के साथ शेयर करो, शेयर करो, गुड लक मिलेगा, शेयर करो बे, गुड चाहिए यार, सिंगम वाला गुड, क्योंकि अभी के लिए ना मैं आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। हे मैं बता रहा हूँ 90% में दुनिया से तंग हो चुका हूँ, और बाकी जो 10% है ना वो मेरे दोस्त पूरी कर देते हैं, मतलब 31st आया नहीं, हर दिन मैसेज आ रहे हैं भाई, और भाई 31st का क्या प्लान है, मेरा पिछले 2.5 साल से सेम सीन है, उठना है, वीडियो बनानी है, अवार्ड शो देखने, खाना खाना है, हिलाना है और सो जाना है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता यार, अभी आज सुबह फिर से किसी ने पूछा है यार भाई 31st का क्या प्लान है, भाई गॉड अगर तुम्हारे पास भी ऐसे हालात हो रखे ना, सच बताना, दिल से ऐसी फीलिंग नहीं आती, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, माता रानी पाप देंगी अगर आज किसी ने कमेंट में पूछ लिया मेरे से ये बात, जब कोई मुझसे पूछता है ना 31st का प्लान क्या है, मैं हूं ना का शाहरुख खान बन जाता हूँ। और भाई 31st का प्लान क्या है, कुछ नहीं, हाँ तुम्हारा है क्या, हाँ प्लान तो सबका होता है, सबके नहीं होते लक्ष्मण, इतनी घटिया मिमिक्री, इतनी घटिया मिमिक्री, जहर दे दो कोई, अगर तुम उन बंदों में से ना जो ज्यादा बात होनी नहीं है, या कोई भी आके तुम्हारी इंसल्ट मार जाता है, तुम्हारे पास कोई कमबैक नहीं होता, ज्ञानी की राय है, भक घोसड़ी के, भक भोसड़ी के, हर चीज में तुम यूज कर सकते हो, ए पतले पक भोसड़ी के, ए खाना खाएगा क्या पक भोसड़ी के, ए उसने दी क्या तेरे को पक भोसड़ी के, ए बंदी कितनी हॉट है पक भोसड़ी के, लिटरली तुम हर चीज में ही यूज कर सकते हो, और भक भोसड़ी के सिर्फ गाली नहीं है, एक इमोशन है, सामने वाले की दुनिया उजाड़ सकता है, सही से यूज करो, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र पक भोसड़ी के, लाइक कर देना वीडियो, मुझे मालूम है कमेंट में क्या आने वाला पक। अभी रिश्तेदारों का भी अलग स्वैग होता है, मतलब आपके घर आएंगे, आपका खाना खाएंगे, और फिर आपकी वजह के जाएंगे, और ना मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, आज तो मैं ज्यादा सुना हूँ, मैं सबसे तंग हूँ आज, साले बड़े बुजुर्गों ने कौन सा मालूम कुछ ही भेजते थे वे, बड़े बुजुर्गों ने कहा है लड़ाई करने से मोहब्बत बढ़ती, एक रिलेशनशिप में लड़ाई करने से मोहब्बत बढ़ती है, बस फिर क्या था, सारे लोगों का दिमाग टनक गया, सबके दिल में यही बात है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ लड़ाई है, जहाँ लड़ाई है वहाँ मोहब्बत, मैं लौड़ा मेरा, यही बात मेरी बंदी ने कही थी एक बार, फिर क्या था, चौसलेम जैसा साली को पकड़ के F5 साला मुक्का मार के नाक तोड़ दिया, सुरपने का बना दिया उसको मैंने, ये रोनी की नोटिफिकेशन क्यों आ रही है, बेस्ट इंडियन वेडिंग्स तुम भी कर लो, कब तक ही लाओगे, मतलब तुम में से लिटरली बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं ये मार्क कैसे आया हुआ है, ये मार्क कैसे चेंज हो जाता है यार, हर बार चेंज हो जाता है यार, होंठ से होंठ मिलते हैं तो क्या होता है, ये डर क्यों, मुंह बंद, कब तक गंदी सोच रखोगे अपनी बे, सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं अभी, hey, if you won't give it to me, I'ma take it. आज का ज्ञान, शक्ल देख के लाइन मारो, उसकी नहीं अपनी, ट्रू स्टोरी ब्रो।